अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल HD क्रिकेट। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वार्म मैच आज खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की जानिब से शानदार खेल पेश किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की और पहाड़ जैसा हदफ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो पाकिस्तानी बॉलरों ने पाकिस्तान के बैट्समैनों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिस पर आज पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी पाकिस्तान टीम पर काफ़ी नाराज़ हुए। तो हम बात करते हैं तफसील के साथ। दोस्तों, इससे पहले वीडियो की तफसील में जाएं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, बात करते हैं तफसील के साथ। पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 345 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए, जिसमें मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी और बाबर आजम के 80 स्कोर शामिल हैं। तो न्यूजीलैंड ने 346 रन का टारगेट 44वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। इस तरह पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज पाकिस्तान के बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है और जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैनों की मेहनत पर बॉलरों ने पानी फेर दिया है। तो इस तरह इसलिए शुएब अख्तर भी काफ़ी नाराज़ हुए पाकिस्तानी टीम पर। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।